17 साल हो गए हम रह रहे इधर, अमीरों के कुत्ते भी नहीं रहते हम जैसे रह रहे। बारिश होती है तो सब पानी टेंटों में आता है, तो हुकूमत ने अभी तक हमारे लिए कुछ नहीं किया। मांगने वाले इतने आए हुए हैं कि आज़ाद कश्मीर की आवाम नहीं है जितनी है। अगर हमारे पास कोई पैसा है तो वो जो भीख मांगने वाले हुकूमत ने पाकिस्तान से या किधर से भेजे हुए हैं वो हमसे छीन लेते हैं। किसी ने किताब उठाई हुई है, कोई नजूमी बना हुआ है, कोई तवीज़ों वाला बना हुआ है, सारे हकीम तबीब यहाँ ही आए हुए हैं। नमस्ते, मैं हूँ सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं बात सच है। हम तो डूबेंगे पर आपको भी ले डूबेंगे सनम। कुछ ऐसा ही पीओके में हो रहा है। पाकिस्तान के हालात जितने बदतर हैं, पीओके में हालात उससे भी ज्यादा खराब हैं। स्थिति यह है कि व्यापार ठप हैं और यहां भूखे मरने की नौबत आ गई है। लोग दाने दाने पर मोहताज हैं और 100-100 रुपए पर गुजारा करने के लिए मजबूर है। ऐसा ही कुछ हाल पीओके में उन ट्रक ड्राइवर का है जिनकी रोजी रोटी इन्हीं 4 पहियों पर चलती है। लेकिन हालात यह है कि यहाँ कोरोना वायरस के चलते व्यापार बिल्कुल ठप हो चुका है, जबकि पाकिस्तान सरकार से लेकर पीओके की सरकार तक दोनों आंखें मूंदे हुए हैं। आइए सुनते हैं उन ट्रक ड्राइवर की जुबानी जो इस विपदा में एक एक पैसे के लिए तरस रहे हैं। कुछ काम नहीं है आज, 1.5 महीने से बेकार लोग हम लोग खड़े हैं, माल ही नहीं है। इधर गाड़ी चलाते हैं, इधर शहर में माल ही नहीं, माल होगा तो गाड़ी चलाएंगे ना, गाड़ियां खड़ी हैं बस, और क्या है। सब जितने भी ट्रांसपोर्ट वाले जितने भी गरीब ड्राइवर है, कौन पूछता है ट्रांसपोर्ट के बारे में, कोई नहीं। बच्ची हैं छोटी छोटी और हुकूमत ने ऐलान किया था 12,000 रुपये देंगे आपको, आज 1.5 महीना हो गया हमने वो मैसेज किया, मैसेज भी यही जवाब आ रहा है, आज तक किसी ने पैसे नहीं दिए। इंतज़ार करते हैं आज माल मिल जाएगा, कल माल मिल जाएगा, माल ही कोई नहीं मिलता। बस गाड़ी के पास आते हैं, गाड़ी साफ़ करते हैं, फिर वापस घर चले जाते हैं। मालिक के पास आते हैं, कभी 100-200 रुपये खर्चा देता है, घर चले जाते हैं। 200 रुपये में तो घर का निज़ाम नहीं चल रहा।